हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। वेलकम है आपका अपने चैनल में। तो कैसे हैं आप लोग? और टाइम हो रहा है 11:45 हो गए हैं। तो कपड़े लाई थी, कपड़े देखोगे आज ना बहुत सारे, यहाँ से लेके वहाँ तक दोनों तार भरे हुए हैं। टावल भी डाल देती हूँ। तो दोनों तार भरे हुए हैं, वो बेडशीट और कंबल धुलनी थी ना, तो इस वजह से भी। और वैसे भी कल बृहस्पतिवार था, तो शुक्रवार को मेरे काफ़ी कपड़े हो ही जाते, क्योंकि बृहस्पतिवार को धुलती नहीं हूँ। और व्लॉग भी स्टार्ट नहीं किया। खाना बन गया है, खाना पीना सारा बन गया है। और आजकल काम का कोई रूटीन नहीं हो रहा, मतलब शरीर ही नहीं साथ दे रहा मेरा। तबीयत पता नहीं ख़राब सी चल रही मेरी। रात को भी BP लो हुआ था, फिर एक टाइम तो ऐसा होता मैं खाना बना ही नहीं पाऊँगी रात को भी। लेकिन फिर मैंने इनसे वो मंगाई, आप देख रहे होंगे मेरी सांस फूल रही है। तो मैंने फिर इन हरी सब्जी थी ना लार की, जो मैंने दिखाई थी आपको, तो वो ही मैंने काट के फिर मैं किचन में चली गई। आटा था गूंदा हुआ रखा हुआ, तो फिर मैंने बना ही लिया था खाना, नहीं तो फिर इन्हें बनाना पड़ता। फिर आदमियों को थोड़ा होता है ना खाना बनाने से परहेज, बट चलो मैंने बना ही लिया था। बस ये कि दे दिया था फिर इन्होंने, और धूप में बैठने का मन करने लगा। और अब बस सब जाऊँगी लेने के लिए, तैयार होंगी और जाऊँगी हन्नू को लेने के लिए। कलर परसों बच्चों की छुट्टियाँ हैं, कपड़े देखो मेरे। चलो ला तो देती हूँ, दो टाइम लाए, दो बार मशीन लगी तो दो टाइम लाए, पर ले जाने में बड़ी आफत आती है क्योंकि इतने सारे कपड़े रहते हैं ना। और आज जाएंगे हम अपने घर ससुराल जाएंगे, मतलब क्योंकि मेरे मतलब सासू जी ना वहाँ चले गई हैं, जहाँ मेरी जिठानी लोग रहते हैं नई टीरी, वहाँ चले गई हैं। शादी भी थी गाँव में, इस वजह से भी गए वो। और वैसे भी जाना ही था, मतलब कब से गए, 2 साल से गई, कोविड के बाद से गए नहीं वो। हाँ, तब से वो गए नहीं थे, 2-3 साल हो गए, तो इसलिए गए हैं। क्योंकि वहाँ भी जेठानी के बच्चे हैं, बोलते हैं दादी आ जाओ, दादी आ जाओ, सबको ही प्यार होता है दादा दादी से। तो बड़े हो गए वो आ नहीं पाते हैं, क्योंकि वो ये बिजी हो जाते हैं बच्चे ना। छोटे बच्चे तो ऐसे छुट्टियाँ चले गए, बड़े बच्चों का ये पढ़ाई पढ़ाई रहती है, तो कोचिंग वगैरह रहती है, तो फिर गई हैं। फिर ससुर जी अकेले हैं, तो इसलिए चले जाएंगे हम आज। गाड़ी भी ले जाएंगे आज, गाड़ी हंसी आ रही मुझे गाड़ी, क्योंकि कोई पूछ रहा था ना कि तुम गाड़ी कैसे लेके जाओगे, भैया को तो आती नहीं चला। तो फिर मतलब है कोई, उन्हें बोलेंगे वो लेके जाएंगे ना, क्योंकि यहाँ फालतू खड़ी है, चलानी तो है नहीं, तो वहीं घर में खड़ी रहेगी, अपने सेफ्टी घर के अंदर खड़ी रहेगी। यहाँ पे तो बाहर सड़क पे खड़ी है, और फिर दूसरी गाड़ी निकालते हैं तो फिर थोड़ा दिक्कत हो ही जाती है, तो वहीं रहेगी और सीखेंगे भी वहीं ना, क्योंकि अपनी गाड़ी में वहाँ अच्छा है। पर गांव में तो आपको पता ही है, गांव में अच्छा होता है सीखने के लिए, तो गांव में ही सीखेंगे। तो चलो चलते हैं नीचे, क्योंकि टाइम होने ही वाला है। फ्रेंड, ये हो गई है मेरी करवा चौथ की तैयारी। इसमें इसकी दादी की है साड़ी, दिखाऊं? ब्लू कलर में अच्छी साड़ी, मतलब बिल्कुल वो सॉफ्ट वाला कपड़ा होता है ना, ये साड़ी है। और इसमें मैंने रख दिया है बिंदी सिंदूर सब, और ये सब पैक कर दिया मैंने, तो ये ऐसे करती हूँ मैं पैक। चूड़ी है, बिंदी है और सिंदूर, तीन चीज देती हूँ मतलब मैं। तो ये देखो इतने सारे डब्बे, क्योंकि
तीन तो मेरी देवरानी जेठानी हैं, तीन मेरी जेठानियाँ हैं, मेरी सास हैं, फिर जो इनके चाचा ताऊ की हैं वो भी मुझे देती है ना, मैं भी देती हूँ, और मेरी मकान मालकिन है उनको देती हूँ, एक मेरी फ्रेंड है उन्हें देती हूँ, तो ये सब हो गया। और अपने लिए मैं सिर्फ इस बार लाई हूँ लिपस्टिक, सिर्फ ये लाई हूँ मैं। तो मैंने भी लाया था आपको बर्थडे में। हाँ बट ये वो वाली नहीं, और ये कड़े ना मुझे पिछली बार करवा चौथ के मिले हुए हैं इनके स्टाफ, मैंने भी अपने नेम पे लाया था। हाँ तो ये पिछली बार के ही मिले हुए मुझे, करवा चौथ में इनकी फ्रेंड है मतलब उनकी वाइफ ने दिए थे। और ये मुझे ये कड़े मतलब ये मुझे नवरात्रि में मिलते ही मिलते हैं, दीदी देती है नीचे से एक सिंदूर और एक कड़े, तो ये दीदी ने दिए मुझे। लेकिन मेरे साथ मैच नहीं होगा क्योंकि मेरा ना ये है, देखो ये है मतलब जो मैंने क्रॉप टॉप स्कर्ट लाया ना उसकी चुन्नी ये है, पिंक कलर की है ये, इसमें थोड़ा डार्क लग रही है बट बेबी पिंक कलर की है, तो कड़े तो मैच होंगे नहीं। और ये कुर्ती है जो मैं पहनूंगी वैसे नहा के, मतलब जो कोरा सूट पहनते ना, तो ये मैंने दिखाई थी आपको मीशो में, मीशो हॉल में, तो ये कुर्ती है ये पहनूंगी मैं। और लहंगा वो तो फिटिंग के लिए चली गया, मैंने दिखाया भी नहीं, मुझे मतलब ध्यान ही नहीं रहा, तो वो तो फिटिंग चली गई। दुपट्टा ये है, अच्छा है वैसे, मतलब बेबी पिंक कलर है, कलर बहुत सुंदर है, बट मुझ पे पता नहीं सूट करेगा कि नहीं करेगा, क्योंकि मुझे ना ऐसा लगता है कि मुझ पे डार्क कलर अच्छे लगते हैं, फिर पता नहीं कैसे लगेगा, बट मुझे पसंद आया वो। फिर मुझे ये भी हुआ कि वो ऐसा है कि बाद में लड़कियां भी पहन सकती हैं उसे, तो ये है कि अभी मैं यूज़ कर लूँ जैसे, फिर किसी को दे दूँ ना, नहीं तो जैसे और हैवी वगैरह कलर वैसे रहते तो वो लड़कियाँ नहीं पहनती हैं, तो ये कलर ऐसा था। और ये चूड़ियाँ है अपने लिए जो मैं चूड़ियाँ लाई हूँ, ये है पिंक, इसी कलर का है मतलब वो लहंगा, वो ना क्रॉप टॉप लहंगा ही बोलूँ मैं, बेबी पिंक। तो ये है चूड़ियाँ लाई हूँ, इस बार मैंने अपने लिए सिर्फ यही लिया है और एक लिपस्टिक ली है और कुछ नहीं लिया है, मेकअप का मेरे पास है, लाइनर तो मैंने ऑनलाइन मंगा लिया था, मैंने दिखाया था आपको, तो इसलिए और कुछ मेकअप का ऐसा कुछ सामान नहीं लिया मैंने, क्योंकि इस बार बहुत खर्चा हो रखा है, सबसे बड़ा खर्चा हो रखा है। और दिवाली भी है, फिर हमारे अपने घर में भी पहले दिवाली है, तो वहाँ के लिए भी करना है, ससुराल के लिए भी करना है, तो फिर मतलब डबल डबल खर्चा है समझो आप, तो फिर इसलिए मैंने कुछ ज़्यादा खास मतलब ऐसे मेकअप का नहीं लिया कुछ, वैसे तो सब चीज़ लिया है, बट मेकअप का यही होता है बस, ये था कि करवा चौथ है तो ले लो ना। और लिपस्टिक भी मेरे को लेनी नहीं थी बट पता नहीं मैंने ले ली, अभी देखती हूँ चेंज भी, क्योंकि मेरे पास एक कोरी लिपस्टिक रखी हुई है, कोरी लिपस्टिक लेती हूँ ना मैं, तो वो मेरे पे रखी है, तो क्या पता इसे चेंज करके मैं कुछ और ले आऊँ, है ना, जब है मेरे पास तो देखती हूँ जैसा भी होता है। और आज हमें कहीं जाना, क्योंकि बच्चों की छुट्टी कल परसों, और हमें अभी पता नहीं है कि हम कहाँ जाएंगे, देहरादून जाएंगे या ससुराल जाएंगे, क्योंकि दोनों जगह कुछ मतलब ससुराल तो जाना ही जाना है क्योंकि इसके दादाजी अकेले हैं, बट लेकिन देहरादून का भी काम आ गया है कि जो नंबर प्लेट वगैरह होती है वो आ गई है, फ़ोन आया था एजेंसी से, तो पता नहीं है अब इसके पापा आएंगे तब पता चलेगा कहाँ जाएंगे कहाँ नहीं जाएंगे, तो मैंने कहा इतनी तैयारी में कर लेती हूँ, फिर अब मेरा सिर्फ पूजा का सामान रहा, क्योंकि फिर संडे को ही हम आ पाएंगे, फिर उसके बाद दो दिन रह गए हैं, तो फिर पूजा का सामान रहा और मैंने अपनी तैयारी कर दी है। और आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है बताना, तो चलो बाद में बताती हूँ आपको, बच्चों ने तो खाना खा लिया है, अब थोड़ी देर सो जाते हैं, ठीक है चलो। अच्छा मैंने सोने के लिए बोलती हूँ, इनके रिएक्शन रिएक्शन नहीं नहीं सोना, हाँ नहीं सोना, चलो नहीं सोना, तो चलो बाद में मिलते हैं आप।